Hello students, welcome to your channel Science Pedagogics, and here this is your Nisha ma'am. Children, in our previous lecture we studied about various types of salts. हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था सॉल्ट्स कितने टाइप के होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स क्या होते हैं जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, और वीक सॉल्ट्स वो होते हैं जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन या आयनाइजेशन नहीं होता. नाउ इन दिस चैप्टर और इन दिस वीडियो वी विल लर्न मोर अबाउट पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. इन सॉल्ट्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, इनके यूजेस क्या हैं, इनका पर्टिकुलर कॉमन नेम भी है, इनका डिफरेंट केमिकल नेम भी है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड. यस चिल्ड्रन, सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट. ओके, सो फर्स्ट सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज हेलाइट. इसको हम हेलाइट के नाम से भी जानते हैं. ओके, नाउ इट्स केमिकल नेम दैट इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. ओके, अब इसका फॉर्मूला दैट इज NaCl. ओके चिल्ड्रन, मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर कैलकुलेट करना सीखा होगा. मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू दैट इज 23 + 35.5 यूनिट सोडियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5, सो टोटल इज अप्रॉक्स 58.5 ग्राम्स पर मोल. नेक्स्ट इज दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड तो है भैया, आयनिक कंपाउंड क्यों है, बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट एंड ऑल सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स. सेकेंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट इज क्रिस्टलाइन वाइट कलर सॉलिड. ओके, वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो एक पर्टिकुलर परफेक्ट सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है, और ये सीक्वेंस लॉन्ग डिस्टेंस तक फॉलो होता है. फॉर एग्जांपल, वन सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन एटम्स, देन अगेन वन क्लोरीन एटम इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम एटम्स. सो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चलता है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का. ओके, नाउ अकरेंस. अकरेंस मीन्स, अब आपको ये तो बहुत कॉमन थिंग है दैट सोडियम क्लोराइड, वी गेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. सी वाटर जो है उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो मेजर मिनरल है दैट इज सोडियम क्लोराइड. ओके, सोडियम क्लोराइड का जो कॉमर्शियल लेवल पर हम प्रोडक्शन करते हैं, कॉमर्शियल लेवल पर जो हम इसका प्रिपरेशन मैथड है, दैट इज इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. सो इट इज evaporation of sea water. So occurrence that is present in sea water, as well as sodium chloride जो है वो minerals की form में भी present है earth crust में. minerals की form में ये generally जिस form में present होता है उसको हम बोलते हैं rock salt. क्या बोलते हैं इसे, rock salt. rock salt is basically brown in color. इसका जो basic color है वो क्या है, brown color. Why it is brown in color? Due to presence of various impurities. बहुत सी इसमें impurities present होती हैं, और उन impurities के कारण rock salt का color हो जाता है brown. Otherwise, the salt which we use in our homes, that is white in color. Okay children? Now in laboratory. Laboratory के अंदर भी हम sodium chloride का preparation करते हैं. That is from the reaction of strong acid and strong base. जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन में हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज सॉल्ट. ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. फॉर एग्जांपल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट, एंड व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म, दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, कॉमन सॉल्ट. ओके चिल्ड्रन, नाउ सोडियम क्लोराइड के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं दैट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. सो
sodium chloride is hygroscopic in nature. What is the meaning of hygroscopic? Children, hygroscopic वो property है जिसमें कोई भी substance atmosphere से water absorb करता है और water absorb करने के बाद liquid में convert नहीं होता. Hygroscopic property is the property of any chemical compound or salt in which salt absorbs water from atmosphere. Atmosphere में humidity के कारण जो water present होता है in the form of humidity, water vapors, तो ये salt जो है इनको जब अपन open air में रखते हैं तो ये salt उस humidity को उस water vapors को absorb कर लेते हैं but they do not form liquid. So this property is shown by hygroscopic nature by sodium chloride. So substances when kept in open, okay, kept in open, absorb water but do not form liquid. यानी ये absorb तो कर लेते हैं water vapors को but liquid का formation नहीं करते. And this property is called as hygroscopic property. Now children, there must be a confusion that अगर हम rainy season में common salt को open air में रखते हैं तो उसे liquid convert हो जाता है. It turns into liquid form. So whether it is hygroscopic or not, children, yes, just be clear this point regarding this one. कि सोडियम क्लोराइड में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड. ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी के कारण सोडियम क्लोराइड जो है वो हाइग्रोस्कोपिक की बजाय डेलिक्विसेंट नेचर शो करता है. हाइग्रोस्कोपिक तो प्योर सॉल्ट करेगा, ओके, बट प्योर सॉल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और उस इम्प्योरिटी की प्रेजेंस के कारण ये वाटर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड में टर्न हो जाता है. इट फॉर्म लिक्विड. So we can write one more point, we can add one more point, that is due to presence of magnesium chloride which works as an impurity, it shows deliquescent behavior. Okay, so now I hope it is clear. That deliquescent water absorb करके they forms liquid, whereas hygroscopic they absorb water but do not form liquid. So these are some of the common properties of sodium chloride. Then if we talk about the pH of sodium chloride, means common salt के अगर हम pH की बात करें तो इसका pH जो होता है वो 7 है. 7 pH it indicates that it is neutral in nature. 7 pH, it indicates that it is neutral in nature. Okay, children? It is neutral in nature. Now, uses of sodium chloride. Sodium chloride as a common salt, we use for cooking purpose. It also used as a preservative, means pickles, achar वगैरह जब आपकी mother बनाती हैं, आपकी grandmother बनाती हैं, तो उस process के अंदर sodium chloride यानी common salt का जो major use है, वो major use है as a preservative. As well as it is one of the raw material of chloralkali process. Chloralkali process जो हम अब पढ़ेंगे, इस process के अंदर हम एक sodium chloride से दूसरे salt का preparation कैसे होता है वो सीखेंगे. So it is the base or starting point of chloralkali process is the sodium chloride. It is also used in the preparation of many more salts as a preservative for the cooking purpose. Preparation of many more salts, sodium chloride is used. Now the second salt is caustic soda. Okay, caustic soda, its chemical name is sodium hydroxide. Formula is NaOH. Iska formula hai NaOH, ionic crystalline solid. It is generally found in palates, means choti choti aapki gems ki jo चॉकलेट आती है उस चॉकलेट की फॉर्म में, व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, पैलेट्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज
highly soluble in water. These pellets are highly soluble in water. लेकिन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, then that reaction is exothermic reaction. That reaction is exothermic reaction. Okay? Next one is ionic compound Na plus and OH minus on dissociation it will give. But when we compare the nature of sodium hydroxide with sodium chloride, अगर आप कास्टिक सोडा की comparison करें sodium chloride से, तो कास्टिक सोडा जो है that is deliquescent in nature. अब deliquescent का मतलब क्या होता है? Means सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पैलेट्स हैं, वाइट कलर की जो पैलेट्स हैं, ये वाटर्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इट टर्न्स इनटू लिक्विड. ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. सो डेलिक्विसेंट फॉर्म्स लिक्विड एंड हाइग्रोस्कोपिक डू नॉट फॉर्म लिक्विड. ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन. अब इसका प्रिपरेशन किस तरीके से होता है? इन द प्रिपरेशन बेसिकली वी यूज सोडियम क्लोराइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में हमें कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए? सोडियम क्लोराइड. सो लेट अस जस्ट लिसन द प्रिपरेशन मेथड. आपको सबसे पहले क्या करना है? सोडियम क्लोराइड लिया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया. जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसका एक्वस सॉल्यूशन. अब उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है. When we pass electricity in aqueous solution of sodium chloride, then ionization takes place and in this reaction three compounds are formed. इस पूरे reaction में तीन major compounds का formation होता है. First is sodium hydroxide, that is caustic soda. Okay. Second is hydrogen and third one is chlorine gas. Because three compounds, sodium hydroxide, hydrogen and chlorine, these three are formed and all three are commercially very very important. ये तीनों ही जो product formation होता है वो तीनों ही बहुत important है. इसमें sodium hydroxide alkali है, means water में soluble है, water soluble, okay? So alkali and chlorine, that is chlorine, chlorine stands for chlorine. तो इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे प्रोसेस को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है और उस नाम को नाम क्या है? दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस. दैट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस. ओके, एल्कली फॉर बेस कास्टिक सोडा एंड क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन. नाउ लेट अस राइट द रिएक्शन ऑफ दिस क्लोर एल्कली प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप, sodium chloride dissolve it in water. Okay children, when electricity is passed through this one, जब हम इसमें electricity pass करेंगे, so हमने यहाँ पर electric current pass कर दिया. Electricity pass करने से three products are formed, that is NaOH, caustic soda plus hydrogen gas and chlorine gas. Now I hope it is more clear why this process is named as chlor-alkali process. Chlor stands for chlorine, alkali stands for sodium hydroxide, which is highly soluble in water. Okay. Now this reaction is not so simple. ये reaction जो है बहुत simple नहीं है और ये perfect particular sequence में overall complete होती है. So now let us discuss the mechanism of this reaction. चिल्ड्रन, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी कंपाउंड में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमें उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, अब इलेक्ट्रोड्स दो होते हैं, कैथोड एंड एनोड. कैथोड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. तो सबसे पहले हम रिएक्शन स्टडी करते हैं कि कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है. एक्चुअली इनिशियली व्हाट हैपेंस, when NaCl electricity is passed, it will dissociate into 2Na plus and 2Cl minus. जब sodium chloride में basically electricity pass करेंगे तो क्या होगा? Sodium ions बन जाएंगे और chloride ions बन जाएंगे. Okay? अब ये chloride ions positively charged cathode पर move करेंगे. Positive charge को क्या बोलते हैं? Cathode को. Positively charged electrode को बोलते हैं हम cathode. Okay? So at cathode, what happens? These chloride ions
इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे क्योंकि इनके पास सरप्लस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड टू इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन. क्लियर? तो कौन सी गैस कैथोड पर रिलीज होगी? दैट इज क्लोरीन. अब हम स्टडी करते हैं कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है. एनोड मीन्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. ओके, यानी वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. सो एट एनोड व्हाट हैपेंस, वाटर मॉलिक्यूल्स दे डिसोसिएट एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2H प्लस एंड 2OH माइनस. ओके, अब ये जो H प्लस 2OH माइनस है, ये 2OH माइनस किससे रिएक्ट कर जाएंगे? सोडियम से. सोडियम से रिएक्ट किया, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2Na प्लस एंड 2OH माइनस. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2NaOH, दैट इज कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन हो गया. अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो बेटा. NaCl से Na प्लस बना, Na प्लस इस OH माइनस से रिएक्ट कर गया NaOH, न्यूट्रल कंपाउंड. क्लोरीन आयंस बने थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया. द नेक्स्ट इज 2H प्लस आयंस. दीज 2H प्लस आयंस दे विल गेन दीज इलेक्ट्रॉन्स. ये जो H प्लस आयंस हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइड्रोजन गैस में. किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दैट इज हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड. चिल्ड्रन, इन दीज वन कॉमन नेम, दैट इज केमिकल नेम, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन इट मे बी पॉसिबल दैट यू विल फाइंड एनी क्वेश्चन दैट इज यूजिंग केमिकल नेम, और इट मे बी पॉसिबल दैट इन दैट क्वेश्चन द कॉमन नेम वुड बी गिवन टू यू. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ चिल्ड्रन, द नेक्स्ट इज it is a base means alkaline in nature. What is the name of this reaction? Chloralkali process. There is a particular term given for this one when sodium chloride dissolve in water. जब हम common salt को पानी में dissolve करते हैं तो actually इसके लिए एक particular scientific term है और उस term के लिए इस solution को हम क्या कहते हैं? That is brine. That is brine. So if I will say, अगर मैं ऐसे कहूँ that when we pass electricity in aqueous solution sodium chloride, we get sodium hydroxide. I can also say, अब इसी ही बात को मैं दूसरे तरीके से भी कह सकती हूँ, when we pass electric current in brine, we get sodium hydroxide. Meaning दोनों का same है, but statements are different. So some of the questions which can be formed on this process or on all this information, first, what do we mean by chloralkali process? Okay, second one is, why the term is given for the preparation of sodium hydroxide by sodium chloride is chloralkali process. Means is pure process ko hum chloralkali process kyun kehte hain. Next question, what is the meaning of brine or what is brine? Okay, one more question, which gas is released at cathode when we pass electric current in brine. जब हम brine में electric current pass करते हैं तो कौन सी gas release होती है? That is chlorine. When we pass electric current in brine, which gas is released at anode? Anode पर कौन सी gas release होती है? That is hydrogen gas will be released. So these are some of the questions which can be formed. What do you mean by deliquescency? Deliquescent nature means absorption of water, water vapors from environment and conversion it into liquid form. So these are some of the properties, preparation method of sodium hydroxide. Now children, as we can see that there are different three products are formed in this chloralkali process. And in the starting, I told to you that all these are very very important. Commercially, ये reaction बहुत important है क्योंकि इसके तीनों products की जो है वो value बहुत ज़्यादा है. Value कैसी है? So now we will discuss about the uses of all these three products. First is use of sodium hydroxide. Sodium hydroxide कहाँ कहाँ use होता है?
First point, alkaline nature, so to neutralize acids, simple one, कि ये alkali है nature में, तो neutralize acids, acid को neutralize करने में काम में आता है. Second, in ancient time, it is also used as a drainage cleaner. Means ये जो water pipes होती हैं, जो sewage system की pipes होती हैं, इनको clean करने में भी sodium hydroxide काम में आता है. So second use we can write that drain cleaner. Third one, in the formation of Na2CO3, washing soda, baking soda, इनके formation में भी इसका use होता है. Third one, wood pulp को clean करने में, wood pulp cleaning agent की तरह भी ये काम में आता है. अब wood pulp cleaning agent means in paper industry. In paper, next is in saponification reaction. Saponification means formation of soap. Esterification reaction, formation of ester. All these are organic compounds. इसमें भी होता है. One more thing, children. Sodium hydroxide को जब आप touch करोगे, that it is slippery and soapy in touch. अब ये soap की तरह touch, मतलब soapy sensation क्यों देता है, feeling क्यों देता है? The reason is only that सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके स्किन में जो ऑयल प्रेजेंट है, जो नेचुरल ऑयल आपके स्किन में प्रेजेंट है, इससे रिएक्शन करके सोप फॉर्मेशन कर देता है. दिस इज द रीजन दैट इट इज सोपी इन टच. दैट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो दीज आर सम ऑफ द यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और वी कैन से कास्टिक सोडा. नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब हाइड्रोजन गैस का क्या यूज है? Use of hydrogen in fertilizers, very simple. Fertilizers के अंदर use होता है. Okay, in the formation of ammonia. Ammonia की formation में भी use होता है. What is the formula of ammonia? NH3. Okay, as well as rocket fuel. Rocket fuel में भी use है ये hydrogen का, because it is the most cleanest fuel. Okay, and one use, आपको नहीं पता होगा बेटा कि जो hydrogen gas है, it is also used in the preparation of margarine. In the preparation of margarine. अब what is margarine? Margarine है क्या? Margarine actually it is a substitute of butter. Margarine is a substitute of butter. Actually क्या करते हैं, बटर तो बहुत कॉस्टली है, डेयरी प्रोडक्ट है, तो उसके सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन गैस पास की जाती है एंड वी गेट अ सिमिलर प्रोडक्ट दैट इज सिमिलर टू बटर एंड दैट इज कॉल्ड एज मार्ग्रेन. ओके, सो बिफोर परचेज फ्रॉम बटर फ्रॉम मार्केट यू हैव टू क्रॉस चेक वेदर इट इज प्योर बटर और इट इज इट मे बी मार्ग्रेन सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट वन. यूज ऑफ क्लोरीन गैस. क्लोरीन to disinfect water. Okay. Bleaching purpose में भी use होती है ये. As well as chlorine is also used for to purify water in the formation of bleaching powder. Yes children, now what type of questions can be formed on these uses? Direct question, there is no one, no sense to discuss the direct questions. Write any two uses of caustic soda, write any two, three uses of hydrogen, two, three uses of chlorine gas. Second, indirect questions. Indirect questions means HOTS, high order thinking questions. In that one of the white color substance that is soapy and slippery in touch is used to clean drains. Cleaning the purpose of drains. Okay. Write the preparation of that particular salt. Identify that salt. आपको salt को identify करना है, उसका formula लिखना and preparation मारना है. Okay. Next is
One of the element which is used in the preparation of margarine, which is a substitute of butter. Write the reaction of this hydrogen with any of the unsaturated hydrocarbon. So these types of indirect questions or high order thinking questions can be framed on the simple uses of all these hydrogen carbon dioxide, hydrogen chlorine gas as well as sodium hydroxide. So children, this is all about today. In our next lecture, we will discuss about sodium bicarbonate and sodium carbonate, means baking powder and washing soda. So thank you.